सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको कोई नहीं जगा सकता। तुम चाहते हो हर मौसम में कॉल नाउ टू इंक्वायर अबाउट। तो हम इस समय बैठे हैं लखनऊ में, कहाँ पे? लखनऊ में, नवाबों की नगरी। आज यहाँ इवेंट करने आए थे, कोविड की गाइडलाइंस को प्रैक्टिस करते हुए हमने यहाँ पे एक इवेंट किया, बहुत बढ़िया। आईबीसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए अभी दिखाएंगे आपको कैमरा पे, थोड़ा सा घुमाइए कैमरा। ये सब हमारे रॉयल एलीट क्लब के और टॉप परफॉर्मिंग आईबीसी हैं। अभी कमरा छोटा है, इस समय मैं अपने रूम के में लिविंग रूम में बैठ के हम यहाँ मिल रहे हैं इसे, इसलिए ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया अंदर। तो मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। लखनऊ से मैं अब जो है दिल्ली की तरफ निकलूंगा, और अभी तो इवेंट कम हो रहे हैं, पर आज काफी लोग आए और बहुत खुशी हुई सबसे मिलकर। कैसा रहा इवेंट? बहुत जबरदस्त, अच्छा रहा। बेसिकली रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का इवेंट था, क्योंकि जो हमारे आईबीसी है जहां जहां जिस जिस शहर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये लखनऊ की ब्रांच के जो हमारे साथ ब्रज किशोर जी बैठे हैं, ये इतना बढ़िया किया, इन्होंने कानपुर भी एक्वायर कर लिया। तो कानपुर और लखनऊ अभी दो ब्रांच आपके अंडर आती, राइट? जी सर, बहुत अच्छा किया। तब देखो मैं अमित है, ये अमित एकदम टॉप परफॉर्मिंग आईबीसी, ये रॉयल एलीट क्लब के मेंबर कब बने हुआ? सर स्टार्टिंग में ही मैं पहली बार में ही रॉयल एलीट क्लब का मेंबर बन गया था। तो ये पहले बैच बन गए? यस सर, पहले। और आप बने रॉयल एलीट क्लब के मेंबर अप्रैल में सर? अप्रैल में। तो अप्रैल बैच में ये रॉयल एलीट क्लब के मेंबर बन गए, ये लोग क्वालिफाई कर गए। रॉयल एलीट क्लब मेंबर आईबीसी वो हैं जो हर महीने मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेने आते हैं, आके टाइम स्पेंड करते हैं। और ये बीच में उमेश बैठे हैं, उमेश मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, बहराइच से। मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ? बहराइच, अभी ठीक बोल रहा हूँ? बहराइच के बारे में मुझको नहीं मालूम था, राहुल तुम्हें मालूम था पहले? नहीं सर, बहराइच के बारे में नहीं मालूम था मुझे। 1,00,000 से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होगा, और यहाँ से कितना दूर है लखनऊ से? 130 किलोमीटर। और ये भाई वहाँ एटलीस्ट 10 से 15 लाख रुपए महीने का काम करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया। कभी कभी बीच में स्लो भी हुए जी, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि 66 लाख का रेवेन्यू कर चुके हैं ये बारे, ठीक बोल रहा हूँ? 66,50,000 का रेवेन्यू कर चुके हैं। ऐसी जगह पे जहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, जहाँ कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा वाला भी नहीं है, रेलवे स्टेशन होगा लेकिन वहां कुछ भी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई फ्लाईओवर नहीं है, कोई मॉल्स नहीं है, कोई सिनेमा हॉल्स नहीं है, कोई पीवीआर नहीं है, आईनॉक्स नहीं है, वहां पे जो करना है घर पे करना है आपको, वहां पे भी जहां बिजनेसेस नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां रह करके उमेश जो आपने किया मुझको बहुत खुशी हुई। अमित आप भी वहां से कहां से हो? सर उन्नाव से हूं मैं। ये उन्नाव से है, और आप? हरदोई से सर। हरदोई से, और आप? सर मैं वाराणसी बनारस से। वाराणसी बनारस से। आप आईबीसी मैनेजर है? नहीं, ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर है लखनऊ ब्रांच मैनेजर। बधाई बधाई, बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा लखनऊ में सर? सब ओके, सब आपका सही। और ये इनको देखो भाई, ये इधर ब्रज किशोर जी, हाथ हिलाइए, सबको प्रणाम करिए, मिलिए सबसे। ब्रज किशोर जी ये हमारे ब्रांच को देखते हैं, यहाँ चैनल पार्टनर हमारे फ्रेंचाइजी हैं, लखनऊ और कानपुर के फ्रेंचाइजी ब्रज किशोर जी के, ताली तो होनी चाहिए। काफी हार्ड वर्क किया। तो सर एक बार ताली जो है ना हमारी टीम के लिए होनी चाहिए जो इतनी जबरदस्त। तो छोटे से एक ग्रुप में आपको सबसे मैं मिलवा रहा हूँ, और हमारी खास बात बिल्कुल ठीक बोली ब्रज किशोर जी ने कि टीम बहुत अच्छी बनी और टीम ने बहुत मेहनत किया। सो आई एम 100% विद यू ब्रज किशोर जी ऑन दिस। एंड ये शिखा मैडम है पीछे, देखो इलाहाबाद से आई हैं, और ये हमारी ट्रेनिंग मैनेजर हैं। आपका क्या डिजाइनेशन है सर? रीजनल ट्रेनिंग हेड। रीजनल ट्रेनिंग हेड, सॉरी ये रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर नहीं है, रीजनल ट्रेनिंग हेड है। इनका रिसेंटली प्रमोशन हुआ है, कितने महीना पहले आपका प्रमोशन हुआ है? Eight months. Congratulations, बधाई हो। आपके रीजन में क्या क्या आता है? लखनऊ, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या। अरे इतना पूरा उत्तर प्रदेश। जय हो, जय हो। So guys, पहले ये बताओ कि आज हमारे आईबीसी यहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लखनऊ में, इसके पीछे क्या एक या दो सबसे बड़े कारण लगते हैं आपको? क्विकली कौन बताएगा? सर नंबर दो लर्निंग, एंड नंबर दो जो सपोर्ट मैकेनिज्म है बहुत ही पावरफुल है। हमको रात को 2 बजे भी अगर चाहिए सपोर्ट तो हमको मिल जाता है। इसी इवेंट की बात करूं तो रात में 1 बजे तक मैंने बात किया है कस्टमर्स का, और रात में 1 बजे तक उन्होंने बुक करने के लिए लगातार कॉल करते, लगातार अटेंड कर रहे थे, और लगातार सीपी ऑफिस से बहुत ही पावरफुल जो हमारी टीम है, सर ने बोला बहुत ही पावरफुल टीम है सर, एक भी पर्सन ऐसा नहीं है टीम में जो हमको रिस्पॉन्ड ना करता हो, हमको बस मैसेज करना होता है केवल व्हाट्सएप पे, कॉल भी नहीं करना होता, और हमको रिस्पॉन्ड मिल जाता है। लखनऊ ब्रांच का इतना सपोर्ट, जितना सपोर्ट है सर।
आप बताओ सबसे आपको क्या लगता है क्यों अच्छा कर रहे हैं यहाँ के रीजन में लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स ये तो है ही कि सपोर्ट सिस्टम तो है ही, प्लस उसके बाद एक है ना कि आईबीसी को अपना खुद का करियर मिल रहा है सीखने की। अभी देखो आईबीसी का डिजायर यहाँ है, नॉलेज यहाँ है, अभी डिजायर को पूरा करने के लिए उसे एक गैप मिल गई है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो इस गैप को फुलफिल कर सकता है आईबीसी के जरिए, तो वो बहुत अच्छा सीख रहा है। एक्चुअली ड्यू टू इस वजह से वो सीख रहा है तो वो अर्निंग भी कर रहा है, लर्निंग भी कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई आईबीसी ले लेता है तो जब तक क्या जब तक उसका स्टार्टअप उसका बिजनेस खड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो साल डेढ़ साल दो साल लगाए, बहुत ढीला आदमी है तो ढाई साल लगा तीन साल लगा तो फेल होएगा, हम तेरे साथ खड़े हैं, सच कह रहा हूँ। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ते तब तक हम साथ में है, 1,000 1,500 2,000 3,000 बिजनेस मॉडल्स को समझता है, इतनी बिजनेस प्रॉब्लम्स वो डिस्कस कर लेता है कंसल्टिंग करते करते। अच्छा वो इतने सारे जब तुम 1,500 2,000 बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझोगे, कंसल्ट करोगे, उन टेक्निकलिटीज को समझोगे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स की गहराइयों को पकड़ पाओगे, तो बिजनेस में क्या कभी फेल करा पाएगा क्या? नहीं होगा। हील पिकअप अवर मॉडल या आईबीसी ना, अभी तक मैं अपने यूट्यूब से नहीं बताता ज्यादा, मेरे को फील होता है कि ऐसा लगेगा कि भाई सेल्स कर रहा है, क्या कर रहा है, इस करके मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ। लेकिन आप इनसे मिलो, अमित से, अमित का यूट्यूब चैनल है, यस सर, मेरा यूट्यूब, क्या नाम है? आईबीसी अमित यादव। आईबीसी अमित यादव के चैनल पर जाओ, और किसी का भी है? यस सर, आपका भी है, महेश मिश्रा के चैनल पर जाओ, और भी लोग हैं हमारे, केवल लखलानी है जी, और कौन है? हितेश यादव है, और उपेंद्र साहू, ये सब बड़े सक्सेसफुल हैं भैया, सेलिब्रिटी हो गए, बड़ा बिजनेस के सारे। इसे मिलो आप सब, एकदम टॉप रैंकर्स हैं, एक एक करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो मैं एक करोड़ फिगर ऐसे नहीं बोलना चाहता, क्योंकि सामने वाले को ना एक्चुअली समझ में नहीं आएगा अभी, जब तक अंदर नहीं घुसेगा, केक मुंह में डाला नहीं, बाहर से बताते रहे केक बहुत स्वाद है, बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आईबीसी मॉडल के बारे में अगर नटशेल में बताऊं तो इस मॉडल को बोलते हैं रगड़ देंगे। क्या बोलते हैं? रगड़ देंगे, तुमको रगड़ देंगे भाई। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे को रगड़ दे कोई, इतना ट्रेनिंग दे दे, इतना ट्रेनिंग दे दे, क्योंकि ये कोर्स ऑनलाइन नहीं है खाली, ये कोई डिजिटल कोर्स नहीं रह गया है, इसमें रगड़ देंगे तुम्हारे को, इतना ट्रेनिंग दे रहे हैं, इतना ट्रेनिंग दे रहे हैं, पकड़ लेते हैं उसको, फेल हो जाए टेस्ट लेंगे, बार बार टेस्ट लेंगे, बार बार पकड़ेंगे। देखो मैंने आज एक बात बोली थी कि सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको कोई नहीं जगा सकता। अगर तुम वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये समझोगे कि रगड़ेंगे कैसे तुमको, इतना इतने सब्जेक्ट्स पे ट्रेनिंग देंगे। अब मैं अगला सब्जेक्ट जिस पे ट्रेनिंग अपने आईबीसी के लिए ले रहा हूँ वो है पब्लिक स्पीकिंग। क्या? पब्लिक स्पीकिंग। कोचिंग मेंटरिंग पे लिया मैंने, अलग अलग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन हो रहे हैं आईबीसी के, उसको स्टेप बाय स्टेप हर क्वार्टर में। अगर आप माँ बाप है ना और आपका बच्चा है कोई 12 साल 15 साल 18 साल 20 साल, उसको आईबीसी बनाओ। क्या बनाओ? आईबीसी। और क्यों बनाओ? क्योंकि हम उसको रगड़ देंगे, इतना ट्रेनिंग दे रहे हैं, नहीं है दम आसानी से। हाँ ये बात सही है कि पढ़े हो किस चक्कर में कोई नहीं है, लेकिन कैसे? विनम्रता के साथ, इसलिए विनम्रता पूरी है हमारी, सच बात है कि नहीं? क्योंकि ये ऑडियंसिस का, कंज्यूमर का, कस्टमर का प्रेम है, और हमारा क्या है? हमारा है भयंकर फोकस। अगर आईबीसी बन गया है और तेरे को आगे बढ़ना है, तो जब तक सफल नहीं होगा ना छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज लखनऊ के इनसाइडर कमरे में छोटी सी बात को सुनने के लिए, इस कॉन्वर्सेशन को समझने के लिए, आईबीसी की इंक्वायरी करने के लिए, है कि नहीं? इंक्वायरी तो करनी चाहिए, तभी तो ऊपर चलेगा डिटेल में। देखो इसलिए कहते हैं हर इनकम इनकम चाहते हो हर मौसम में एक जैसी, इनकम चाहते हो हर मौसम में एक जैसी, कॉल नाउ टू इंक्वायर अबाउट आईबीसी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।